पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच हुआ खत्म। मनहूसियत के बादल चार दिन छाए रहे और बारिश जीत गई मैच। आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं लेके आया हूं क्रिकेट की एक्सपर्ट राय, क्योंकि मैं हूं नंबर वन फैन। मैं भी शायद का क्रिकेट का तो मुझे कद्दू नहीं पता। श्रीलंकन टीम ने अपनी पहली इनिंग में 308 रन बनाए। कहा जा रहा है कि ये 308 रन बनाने में उन्हें 10 साल और 4 दिन लगे, क्योंकि पहली इनिंग के 4 दिन तो गार्लिक हो गए। गार्लिक मतलब लसन। यूं तो श्रीलंका को पाकिस्तान ने दावत दी थी, लेकिन पांचवें दिन श्रीलंका ने पाकिस्तान को थर्स खा के बैटिंग दे दी। अबे थर्स नहीं होता, तर्स होता है, प्यासे हो गया। अच्छा फंबल के साथ जाने में क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 70 ओवर में 252 रन बनाए और पांचवें दिन का सारा मटेरियल बाबर आजम और आबिद अली खा गए। अंदर की बात यह है कि मैच के बाद बाकी 8 खिलाड़ियों ने आबिद अली और बाबर आजम की कुट चढ़ा दी, उनकी बैटिंग जो नहीं आई। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने इस मैच में भी फवाद आलम को नहीं खिलाया। और इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि कल रात डिनर पे श्रीलंकन कैप्टन कुछ करुणा उतने ने फवाद आलम से मुलाकात की और बोला कि अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, अगर अगले मैच में भी पाकिस्तान टीम ने तुम्हें नहीं खिलाया तो हम श्रीलंकन टीम से तुम्हें चांस देंगे। बाकी मैच की अपडेट शो के आखिर में आपको फैसला देंगे। हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। बाय बाय।